दोस्तों YouTube चैनल DLX9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं धीरज कुमार आज आप सबको फिनाइल कंसंट्रेट बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है फिनाइल कंसंट्रेट बनाने की। दोस्तों आपको फिनाइल कंसंट्रेट मार्केट में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप इसे घर पर बना सकते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए बना सकते हैं। लेकिन मैं इतना आसान फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर पर यूज करने के लिए, होम पर्पज के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बस 2 से 3 मटेरियल इसमें लगेंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं या किसी शॉप से भी खरीद सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाइन ऑयल 140 ग्राम, कास्टिक सोडा 40 ग्राम, पानी 80 ग्राम, एसी सल्फेट 80 ग्राम। आप चाहें तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें TRO भी डाल सकते हैं। दोस्तों TRO इसलिए मिलाया जाता है कि वह जो फिनाइल तैयार होगा उसे वह कुछ गाढ़ा बना सके, लेकिन मैं जो फार्मूला बताया हूँ इससे फिनाइल बहुत ही गाढ़ा तैयार होता है। कुछ लोग नान एनिक भी मिलाते हैं जिसमें बहुत अधिक क्षार की मात्रा होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कास्टिक सोडा से ही बनाया हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कास्टिक सोडा का प्रयोग हम ऐसे सूखे पाउडर के रूप में या फिर चिप्स के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में हम पानी लेंगे और फिर कास्टिक सोडा का फ्लेक्स उसमें डाल के उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि उसका लाई तैयार हो सके। दोस्तों इसे अच्छी तरह से मिलाना है। कास्टिक सोडा का घोल यानी कास्टिक का लाई बहुत ही ज्वलनशील होता है, त्वचा पे पड़ जाए तो वहाँ पे जला सकता है, आँख में पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए आप गॉगल्स और हैंड ग्लव्स पहन के ही कास्टिक सोडा की लाई बनाएं। दोस्तों फिर इसे ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। दोस्तों अब आपका कास्टिक सोडा की लाई पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है। दोस्तों गर्मियों में 1 दिन लग जाती है इसे ठंडा होने में, जाड़ों के मौसम में आप इसे 4 से 5 घंटे में ठंडा हो जाता है, उसके बाद से यूज कर सकते हैं। वैसे जिसमें आप कास्टिक सोडा की लाई बनाए है उसे किसी ठंडे पानी में रख देंगे तो जल्दी से लाई ठंडा हो जाएगी। फिर आपके पास जो भी जितनी भी क्वान्टिटी में एसी सलरी है यानी कि 80 ग्राम, जिस मात्रा में बना रहे हैं 80 ग्राम एसी सलरी को तौले, ध्यान रखें 80 ml नहीं लेना है, 80 ग्राम लेना है, फिर उसे कास्टिक सोडा की लाई में मिला सकते हैं। फिर 140 ग्राम पाइन ऑयल वो भी इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिलाएं। दोस्तों आप कास्टिक सोडा की जगह पे सोडियम मेटासिलिकेट का भी घोल बना सकते हैं। जो आप 40 ग्राम कास्टिक सोडा लिए हैं उसकी जगह पर आप 60 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट और फिर 100 से 120 ग्राम आप पानी लेके उसका भी घोल बना सकते हैं, उससे भी अच्छी क्वालिटी में फिनाइल तैयार होती है। दोस्तों बस इस तीनों रचकों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें, बस दोस्तों आपका फिनाइल कंसंट्रेट तैयार है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में तैयार है। जो आप मार्केट से कंसंट्रेट खरीदते हैं उससे थोड़ी गाढ़ी मात्रा में है, अगर आप इसे फिनाइल बनाते हैं तो वो भी गाढ़ी बनेगी। जैसे आप इसे पानी में डालते हैं तो पानी को कुछ गाढ़ा बना देगा, जितना इसमें गाढ़ा दिखाई दे रहा है आपको, अगर इसमें भी अगर आप पानी ऐड करते हैं तो ये कुछ गाढ़ा हो जाएगा। दोस्तों इसे गाढ़ा करने के लिए आप TRO नामक रसायन भी मिला सकते हैं। TRO आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप बिजनेस पर्पज से बनाना चाहते हैं तो आप IndiaMart.com पे खरीद सकते हैं मटेरियल, आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा चेक करने के लिए बनाएं, इसके लिए आप अमेजन से सामान खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अमेजन से सभी मटेरियल खरीद सकते हैं। दोस्तों आपका फिनाइल कंसंट्रेट ऐसे ही छोड़ दे जो आपका मिक्सर बना है 3 से 4 घंटे के लिए, और फिर 4 से 5 घंटे बाद दोस्तों आपका फिनाइल कंसंट्रेट जो है कि तैयार है। अब आप इसे फिनाइल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फिनाइल तैयार होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा बना हुआ है, जो हल्का हल्का वो गिर रहा है ऊपर से बूंद के रूप में,
उसमें मिलाने पे, अगर जो मार्केट से आप खरीदते हैं वो बिल्कुल पानी की तरह से होता है, उससे अच्छी क्वालिटी में एक कंसंट्रेट तैयार हुआ है। अगर आपको थोड़ी और गाढ़ी बनानी है तो आप इसमें से और थोड़ा सा मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कंसंट्रेट का मतलब ही होता है गाढ़ा, एंड जो फिनाइल कंसंट्रेट होना चाहिए गाढ़ा होना चाहिए, ताकि आप थोड़ी सी मात्रा में डालें, एक बाल्टी में अगर 2 चम्मच भी डाल दे, 2 से 4 चम्मच डाल दे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में घर धोने लायक फिनाइल कंसंट्रेट तैयार हो जाएगा, सॉरी फिनाइल तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल DLX9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि सभी नए वीडियोज़ का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DLX9, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया।